अगर कांग्रेस न होती, अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। अगर कांग्रेस न होती, संसद रु कांग्रेस ऊपर गर्जिले मोदी, गणी गणी कांग्रेस र कारण हमार हिसाब देले, देशर सब समस्या र मूल कांग्रेस, परिवारवाद र राजनीति करी देश विकास रे सृष्टि कराई बाधा, भारतर गणतंत्र पाई सृष्टि करी कलंक। आज राज्यसभा रे कांग्रेस ऊपर बरसी चंती प्रधानमंत्री मोदी, संसद रे मोदी कहिचंती जदी देश रे कांग्रेस नथांता तबे कोन होइथांता, कांग्रेस नथिले लोकतंत्र परिवारवाद रु मुक्त होइथांता, कांग्रेस नथिले भारत विदेशी को द्वारा देखा जाइतिबा बाटर नुहे बरंग स्वदेशी संकल्प नै आग को बढ़िथांता, जदि कांग्रेस नथांता तबे देश उपरे इमरजेंसी रा कलंक लागि नथांता, दशक दशक धरी विभिन्न संस्था दुर्नीतिर गंताघर पालटि नथांता। कांग्रेस न होती तो क्या होता, क्योंकि महात्मा गांधी की इच्छा थी क्योंकि महात्मा गांधी को मालूम था कि इनके रहने से क्या क्या होने वाला है, और इन्होंने कहा था पहले से इसको खत्म करो, इसको बिखेर दो। महात्मा गांधी ने कहा था अगर महात्मा गांधी की इच्छा के अनुसार कांग्रेस न होती तो क्या होता, लोकतंत्र परिवारवाद से मुक्त होता। भारत विदेशी चश्मे के बजाय स्वदेशी संकल्पों के रास्ते पर चलता। अगर कांग्रेस न होती तो इमरजेंसी का कलंक न होता। अगर कांग्रेस न होती तो दशकों तक करप्शन को संस्थागत बनाकर नहीं रखा जाता। अगर कांग्रेस न होती तो जातिवाद और क्षेत्रवाद की खाई इतनी गहरी न होती। अगर कांग्रेस न होती तो सिखों का नरसंहार न होता। देखिए, कांग्रेस को लोकतंत्र पर विश्वास अब खत्म हो चुका है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत जब उन्होंने प्रश्न उठाया तो उसका जवाब प्रधानमंत्री जी से आ रहा था, उस वक्त सहम के डरते हुए वॉकआउट किया। एक तरह से हम कह सकते हैं कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत अपने आप को हटने और हटाने का काम कांग्रेस। सोमवार लोकसभा रे प्रधानमंत्री मोदी कोरोना संक्रमण वृद्धि पचरे कांग्रेस और दिल्ली रे क्षमतासीन आप को दायी करथिले। आज राज्यसभा रे राष्ट्रपति को उद्बोधन उपरे आगत धन्यवाद प्रस्ताव परे कांग्रेस समेत विरोधी दल गुड़िक कोरोना संक्रमण और टीकाकरण बेले सरकार को ऊपर उठाई थी प्रश्न जवाब दे तीव्र समालोचना करते प्रधानमंत्री। ब्यूरो रिपोर्ट, अर्गस न्यूज़।